Oh, boy, that was good. Oh. चलिए अरे कॉफी लीजिए हो ये तो मस्त है चले, बैठ होइए चंदन जी, बैठ होइए आप। ठीक है, आई ले जी 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 ना 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 दूसरा ला, नहीं ठीक लगे। चलिए सेल्फी लगाइए, फोटो लीजिए, जाइए जाइए। चलो चलो
सटा के चलो ना, सटा के मजा नहीं आ रहा। बैटरी खेले कौन था क्यों बोले था। देखिए अपना अपना ड्राइवर, ट्रैक्टर के ड्राइवर सब अपने अपने ट्रैक्टर के पास रहिए। आइए चलिए वीडियो करते रहिए, चलिए आइए बताइए, हंसी हंसी देख लीजिएगा इधर कबा। चला चला धीरे धीरे, आइए आइए लेवल में आइए। रोक आगे ना बा, आगे ना बा, सट के हट के ज्यादा नंद जैसा विकास जी के बोलिया हो जाए रुकेला। ठीक है स्पीड में आइएगा। ए नंद किशोर जी हो बस में अटारू दो जाइए जाइए। बैक आवा मटिया से हटा ले जी। हां
अरे अथी होता है बांधल खर उड़ गोल गोल एलंग लगाइए एकरा जाओ रे सब पहले ले के सोफा ने वही नाच ना तीनों को कल बना दीजिए पहले से इसको बताना जी हम लोग आके तब तक इसको बनाते अभी रुपा छिलने में नहीं आती बड़ा बड़ा खाली चुन दीजिए उसमें आप कोनो गाड़ी के अति पर चल हो जाते इतने से हां तीन गोबी गिरा देगा ऊपर सुबह अभी लड़का को पैसे पहनाने में भारत माता की जय आजादी का लड़ाई ज्यादा नहीं बाहर ऊपर जाएगा मौका नहीं फंसेगा हो गया ठीक है उसको खोलो थोड़ा खुल जाएगा ऐसे मत करो उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा ऊंचल जल तरंगा तब सुबह नामे जागे तब सुबह आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय भगत सिंह की जय राजगुरु की जय वंदे मातरम भारत माता की जय झंडे एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर देख सकते हैं यहाँ पे झंडा तोलन का मतलब शुरुआत हुआ है पहली बार यहाँ पे और आपको बता दें कि आज देश 78वां गणतंत्र स्वतंत्र दिवस मना रहा है और ठीक है यहाँ पे सभी जो देख रहे हैं चारों तरफ जो उपस्थित हुए हैं सभी लोग झंडा तोलन करने के लिए उपस्थित हुआ है तो जानेंगे इन लोगों से कि क्या इन लोगों में आखिरकार उत्सुकता क्या ऐसा बात रहा जहाँ यहाँ पर आकर आप लोग झंडा तोलन कर रहे हैं और क्या उत्सुकता है आपके बीच देखिए हम लोग के बीच में उत्सुकता यही है कि देश आज़ाद कराने के लिए बहुत से स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद में कैसे इसको याद किया जाएगा इस तौर पर मतलब 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ था उसके उपलक्ष्य में हम लोग उन वीर गाथाओं को याद करने के लिए लहलहाती फसलों के बीच में आए हैं सारे किसान भाइयों के साथ में कि जो यंग जनरेशन है इसको भी याद करें कि आखिरकार जो हमारा देश गुलाम कैसे बना था और कौन से जंजीर से छुटकारा पाकर हमने आज़ादी लिया इसी को देखते हुए हम लोग विकास जी आप एक युवा किसान है और खेती बाड़ी में बहुत आपका मन लगता है और बहुत मतलब अच्छे ढंग से आप खेती बाड़ी करते हैं और आज देश के प्रति आपका प्यार देख के काफ़ी मतलब जो नए नए जो बच्चे सब हैं वो काफ़ी उत्सुक है आपको इस चीज़ को देखते हुए तो आप बताइए कि क्या आगे आपका क्या प्लान है आगे आपका प्लान है कि हम लोग इस जो फेस्टिवल को जो मना रहे हैं ये निरंतर चलने वाला चीज़ है इसको बंद नहीं किया जा सकता है जी जी। जो उस दौर को जो झेला होगा गरीबी महंगाई जो जिस तरह से हम लोग को आज़ाद होने के बाद में मिला था उस चीज़ को सब जब याद नहीं करेंगे तो हम लोग को आपको हावी हो जाएगा जैसे बाकी दोस्तों जो लड़ाई जो कर रहा है उस तरह से हम लोग इस चीज़ को अगर मनाते रहेंगे तो हमें भी डर रहेगा कि भाई देश हम कैसे आज़ाद हुआ था यहाँ पे उपस्थित है और ये लोग ये इस चीज़ को यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि कैसे हम लोग मतलब स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और किस उत्सुकता के साथ मना रहे हैं आज देश की राजधानी नई दिल्ली में लाल किला पर प्रधानमंत्री जी जो है कि झंडा तोलन किए हैं और यहाँ पे हमारे युवा किसान लोग कर रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप देखिए स्वतंत्रता दिवस को लेकर हम लोग अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे उनके अधीन थे उन लोगों की तरफ से हम लोग पर तरह तरह के अत्याचार किया जा रहा था
जैसे मुनरो व्यवस्था, रैतवारी व्यवस्था, तिनकटिया प्रणाली इत्यादि के द्वारा अंग्रेजों द्वारा हम पे विभिन्न प्रकार के अत्याचार किया जा रहा था। इसी बीच में हमारे देश में कुछ महान क्रांति, जवाहरलाल नेहरू, अनेक महान क्रांतिकारियों ने मिलकर हमारे देश को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आज़ादी को पाने के लिए न जाने हमारे कितनों माँ बहनों की मांग की सिंदूर मिट गई, खून की नदियाँ बह गई, फिर भी हमारे महापुरुषों ने हार नहीं मानी। अंत में जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उस दिन से आज तक हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। अंत में हम अपने देश के बारे में 2 लाइन कहना चाहेंगे। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। ये यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जियेंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जोरदार ताली हो जाए इस बात को, कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। एक बार जोरदार ताली इस है कि आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है वो किस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश के लिए एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, और इस उत्साह को देखते हुए एक और नवयुवक है, इनसे जानते हैं। आपके साथ, आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या उत्साह आपके अंदर? जी, उत्साह तो इस तरह का है कि कहीं ना कहीं हमारा जो तिरान है, क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947, इस आज़ादी को पाने के लिए ना जाने कितने वीर पुरुष अपने उस खून की नदियाँ में बह गए। उस क्रांतिकारियों को हमें आजकल सतत नमन करना चाहिए। और ये आज़ादी का असली मतलब कि आज़ादी का हर चीज़ में आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, संविधान के नियम में बंधने की आज़ादी, और सब कुछ की आज़ादी। हम लोग झंडा तोलन करते आ रहे हैं, झंडा फहराने आ रहे हैं, और उद्देश्य इसका ये है कि कहीं ना कहीं हम समाज में एक मैसेज दें कि इसको जारी रखिए, और देश कहीं ना कहीं स्वतंत्र है तो आज अड़ग है और निडर। सही बात है। तो विकास जी, और किसानों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे इसके प्रति? किसान के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि आज अगर स्वतंत्र है तो अपने खेत खलिहानों के बीच में झंडा फहराने आए हैं, इससे बड़ा क्या है। और कमाई करते हैं और साथ ही साथ वीर गाथाओं को याद करते हैं, इससे बड़ा किसान का उपलब्ध क्या है। दोस्तों, एक बार इस जगह को, इस माहौल को देखिए, हर जगह यहाँ पे चारों तरफ ट्रैक्टर दिखेगा आपको, क्योंकि किसान भाई यहाँ पे उपस्थित है और किसानों द्वारा यहाँ पे झंडा तोलन का उत्सव मनाया जा रहा है। और किस तरह और किस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ। आपके दिल में ये जज्बा होगा, फीलिंग होगा, आप आज अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो आपको दिल में थोड़ा बहुत अगर फीलिंग आ रहा है तो आप इस जज्बा को देखिए, एक बार जरूर देखिए। और संजय जी, आप बताइए कि कैसा उत्साह है आपके अंदर? मैं भी बहुत अच्छा उत्साह है कि हम लोग युवा हैं और किसान। आप भी खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं, जानना चाहिए लोग यहाँ के, मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए संदेश स्थापित कर रहे हैं आप लोग। होना चाहिए कि यहाँ झंडा तोलन होता है जो हमारे किस लिए हो रहा है, आखिर क्या कारण है इसके प्रति, इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये सब आप बताना चाहते हैं आप लोग, यही ना? इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि ये देखिए हमारा देश भारत काफी, मतलब एक तरह से कहा जाए तो आज़ादी के बाद बहुत ही तरक्की किया है, और यह देश के छोटे छोटे बच्चों के बीच भी यह संदेश जाए इस शिक्षा के साथ, इस मनुस्थिति के साथ, मतलब यहाँ पे झंडा तोलन का उत्सव मनाया जा रहा है। हमारा कृषि प्रधान देश भी है, और किसी देखिए यहाँ पे किसान जो है वो जरूर अपने किसान के बारे में बताएंगे, कृषि प्रधान देश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पर कोई भी नेता राजनेता अगर दिल्ली के किसान का बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी करने में। कोई नेता कहीं भी बैठा हो लेकिन अगर किसान अन्न अगर न उपजाए तो ये देश को चलना बहुत मुश्किल हो जाए। जी जी, आज जिस तरह से यूक्रेन या बांग्लादेश में जो हावी हो रहा है, आज हमारा अगर भारत देश का किसान अगर आज़ाद होकर जिस तरह से खेती कर रहा है, ये दर्शाता है कि अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। क्योंकि हर किसान के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला सब। देखिए, एक एक किसान खेत में भी आर्मी है और सरहद पे भी आर्मी है, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। भारत के देश के जितने भी नागरिक है वो अच्छे से जानते हैं, और जो बाहर से लोग देखते हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। यह चीज, यह जज्बा इस चीज को दिखलाता है कि देश में किस तरह का नौजवान है, आज किस तरह का किसान है और किस तरह का एकता है। तो चलिए, धन्यवाद, इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। बहुत हम जाए।